नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किया था। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर रहे हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, यानी कि यूपीएससी। और जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस और आपका आईईएस, सीएपीएफ, सब यही कंडक्ट कराती है दोस्तों। तो आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है दोस्तों, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में इसके बारे में बात करी गई है। किस आर्टिकल में? 315 से लेकर 323 तक। कौन से पार्ट में? पार्ट फोर्थ में। इसमें बताया गया है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे होगा, और पावर और फंक्शन क्या होंगे। तो कौन सा आर्टिकल याद रखना है आपको? आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। किसके लिए है वो? यूपीएससी के लिए है। कौन से पार्ट में आती है? पार्ट 14 में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस पार्ट में आती है? पार्ट 14 में आती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों। इसका कंपोजिशन क्या होगा दोस्तों? कंपोजिशन में एक चेयरमैन होगा और अदर मेंबर होंगे। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक स्पेसिफिक बात नहीं रखी गई है कि जो प्रेसिडेंट को बताए कि किस किन को हमें अपॉइंट करना है। तो इसमें क्या हुआ है, यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कमीशन जो है, यूजली क्या होता है उसमें 9 से 11 मेंबर होते हैं, 9 से 11 मेंबर होते हैं यूपीएससी में, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन भी इसी में इंक्लूड होता है। और जो क्वालिफिकेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से बता नहीं रखा है कि किस यूपीएससी को, कौन से इंसान को यूपीएससी का मेंबर बनाना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं बता रखा है। सिर्फ इतना कह रखा है कि लास्ट 10 ईयर जो हों उस मेंबर के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसने स्पेंड करे हों या स्टेट गवर्नमेंट में स्पेंड करे हों, मतलब उनको वर्क दिया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथराइज करता है किसको? प्रेसिडेंट को, कि कंडीशन भी डिटरमाइन करे चेयरमैन की और अदर मेंबर की, ठीक है। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और 1/2 ऑफ द मेंबर लास्ट 10 ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हों और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में उन्होंने काम किया हो दोस्तों। और ये इनकी एज क्राइटेरिया क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 6 साल और 65 ईयर बताया था, इनका भी वही होता है। यानी कि अगर आप 59 के हैं तो आप 65 तक काम कर सकेंगे 6 साल तक, और अगर आप 63 के हैं और अपॉइंट हुए हैं मेंबर या चेयरमैन तो आप 65 तक ही काम कर सकेंगे। तो ये क्राइटेरिया होता है दोस्तों। अब इसमें ये और सेकंड बात, इसमें अगर इनको रेजिग्नेशन देना है, अपना रिजाइन करना है, मान लो इनको नौकरी पसंद नहीं आ रही है, इनको रिजाइन करना है, तो ये किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे? प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है इनको। और एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब जरूरी नहीं है कि ये पूरे 6 साल ही रहे, इनको रिमूव भी करा जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इसमें ज्यादातर काम प्रेसिडेंट का ही रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी पार्टी से नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट एक न्यूट्रल इंसान होते हैं और पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये इनका कंपोजिशन हो गया। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकती है किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन। क्या नाम दिया गया है? एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है। किस टाइम पे प्रेसिडेंट ऐसा काम करेंगे कि एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे? दो कंडीशन में। अगर चेयरमैन की जो कुर्सी है वो खाली है, फॉल वैकेंट। दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, अगर जो चेयरमैन है उस टाइम वर्तमान में वो परफॉर्म जो कर रहा है फंक्शन, वो उसके काबिल नहीं है, अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीजन। वो कहीं, जैसे किसी को कुछ काम आ गया और वो नहीं कर सकता उस टाइम के लिए, तो प्रेसिडेंट एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। एक्टिंग चेयरमैन दोस्तों तब तक काम करेगा जब तक चेयरमैन नहीं आ जाएंगे, रियल जो चेयरमैन है तब तक नहीं आ जाएंगे, तब तक वो काम करेगा, और जैसे ही वो आ जाएंगे फिर उसका काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। रिमूवल कैसे होगा? कंपोजिशन देखा, एज देखी,
ज्यादातर प्रेसिडेंट का ही काम है यहाँ पे। और अब रिमूवल देखते हैं दोस्तों, रिमूव कैसे होगा। रिमूव भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। याद कर लीजिए चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमूवल कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, ठीक है। रिमूवल भी दोस्तों तीन कंडीशन में हो सकता है। कैसा, एक तो इंसॉल्वेंट है, मतलब वो जो बंदा है वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसने करप्शन के चार्जेस हैं उसको, मतलब वो इंसॉल्वेंट है वो काम करने के लिए। दूसरा, जब उसका कार्यकाल चल रहा है इलेक्शन यूपीएससी में, तो वो किसी और एम्प्लॉयमेंट में भी इंडल्ज है आउटसाइड द, जैसे वो कुछ बिजनेस कर रहा है या किसी और एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ कर रहा है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वो इंडल्ज है, तो उसको भी रिमूव करा जा सकता है। और लास्ट जो है, इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेजिडेंट, यहां पर देखिए दोस्तों थर्ड पॉइंट इसमें कहता है कि अगर जो प्रेसिडेंट का ओपिनियन है ये कि वो अनफिट है टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन और इनफर्मिटी ऑफ माइंड, मतलब उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो मानसिकता हालत है वो फिट नहीं है इस बड़ी हाई पोस्ट को चलाने के लिए, क्योंकि यूपीएससी आपको पता है बहुत हाई पोस्ट है यहाँ के चेयरमैन की। और इनका जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है जिसमें प्रेसिडेंट नंबर वन पर आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सब जो होती हैं इसमें भी बहुत हाई पोस्ट है इनकी। और रिमूवल कैसे होगा दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि चेयरमैन और अदर मेंबर मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेवियर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसबिहेवियर, तो ये चीज ये सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट बताइए आप इंक्वायरी करके कि भाई इन्होंने सच में मिसबिहेव कराए इस कमीशन में बैठ के या नहीं कराए, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये मिसबिहेव नहीं कराए तो वो रिमूव नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर इनको काम करना पड़ेगा दोस्तों, प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। ड्यूरिंग, और जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलेगा उसके मिसबिहेवियर का, तो उस टाइम के लिए दोस्तों वो चेयरमैन सस्पेंड होगा उस काम से, मतलब वो चेयरमैन नहीं होगा। ये लिखिए देखिए लाइन, सस्पेंड द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द यूपीएससी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा रिमूवल। अब दोस्तों इन्होंने मिसबिहेवियर को डिफाइन कराया इसमें, डिफाइनिंग द टर्म मिसबिहेवियर, कि भाई यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर हैं, आपने उन पे चार्जेस तो लगा दिए मिसबिहेवियर के, लेकिन मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, तो भाई इसमें बताया गया है कि वो जो इंसान है वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और अदर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में इंडल्ज है, इट इज इंटरेस्टिंग इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वो कहीं और से भी प्रॉफिट कमा रहा है, पार्टिसिपेट इन एनी इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ये एक मिसबिहेवियर है उस पोस्ट का, कि आप उस पोस्ट के डिसिप्लिन, उस पोस्ट का प्रोटोकॉल आप सही से फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर उसके ऊपर केस चलेगा। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा उस पर प्रेसिडेंट काम करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। देखो दोस्तों, ये जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और आपका सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए ना दोस्तों इंडिपेंडेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनके हाथ में पावर नहीं रहेगी तो ये कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, और इंडिया की डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है अगर इन चीजों के हाथ में पावर नहीं रहेगी। तो इसकी इंडिपेंडेंस के लिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन रखे, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या करा, ए प्रोविजन पढ़िए कि ये रिमूव हो सकेंगे, कौन कर सकेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट, ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड मेंशन है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में संलिष्ट हैं, मिसबिहेवियर करते हैं, तो ही कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा और इसको रिमूव करो, नहीं। इनके पास एक टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी होता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब, जैसे ये लाइन जो लिखी हुई है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है
कि भाई आपको चयनित करा गया है 5-6 साल के लिए और 65 आयु तक के लिए, उससे पहले आपको कोई नहीं हटा सकता अगर आप रिमूव नहीं होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई हैं। अगर ये दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर इनको ऐसे रिमूव कर दिया गया कि मतलब कि इस इंसान को हटाओ, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर, तो वो हमारी सॉवरेनिटी, हमारी हार्मनी सोसाइटी की और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरनाक होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये जो कहता है जब कंडीशन ऑफ सर्विस जो है, कंडीशन जो है सर्विसेज की, कि आपको कैसे काम करना है, कितने वर्ष आयु तक करना है और किस किस पोस्ट पे कैसे कैसे काम करना है चेयरमैन और मेंबर की, वो डिटरमाइंड कौन करता है, प्रेसिडेंट। और ये पॉइंट बहुत लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब आपने उसको अपॉइंट कर दिया किसी मेंबर को, किसी चेयरमैन, किसी इंसान को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया, ठीक है, आपने उसकी पावर बता दी दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आप उसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते, जो उसकी सैलरी है वही रहनी है, जो उसकी पावर्स आपने पहले बता दी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो उसी हिसाब से काम करेगा। ये इसकी एक इंडिपेंडेंस है दोस्तों जिससे ये अच्छे से काम कर पाए। थर्ड पॉइंट देखिए, सी पॉइंट दोस्तों, ये कहता है जो इनकी सैलरीज हैं, जो इनके अलाउंसेस हैं, जो इनकी पेंशन है चेयरमैन और मेंबर्स की दोस्तों यूपीएससी के, वो कहां से होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है। इमरजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, पब्लिक फंड होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये एक इंडिपेंडेंस क्रिएट करता है। कैसे, क्योंकि जब इनका जो सैलरीज आती हैं इस फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो इस पे वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट के अंदर, इसमें से सैलरी जानी ही जानी है, लेकिन जो आपका पब्लिक फंड होता है वो, और कंटीजेंसी फंड जो होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट उसे कैसे भी खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दोस्तों वोटिंग नहीं होती है, तो एक इनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट है ये कुछ भी करने के लिए, वरना इनको ये लगेगा कि हमारी सैलरी ना रोक दी जाए, हमारे अलाउंसेस ना रोक दिए जाए, नहीं ऐसा नहीं होने का। डी पॉइंट दोस्तों ये कहता है जो चेयरमैन है यूपीएससी का वो इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। वो भाई वो चेयरमैन बन गया 65 तक और 6 साल तक, वो फिर से एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकता। वरना दोस्तों ऐसा होगा कि अगर ये बात नहीं लिखी होती तो इनको लगता कि यार हम किसी गवर्नमेंट का या किसी इंसान का फेवर दे देते हैं, फिर हमें आगे पॉलिटिकल मूव मिल जाएगा और हम उस पोस्ट पर जाके बैठ सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जा सकते और स्टेट में नहीं जा सकते। जो मेंबर है दोस्तों यूपीएससी का, चेयरमैन और मेंबर में आप फर्क समझ रहे होंगे, चेयरमैन उसके नीचे मेंबर, 9 से 11 होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, मतलब इन 9 और 11 में ही चेयरमैन आएंगे। जो मेंबर है दोस्तों वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चेयरमैन, मेंबर को चेयरमैन बनने के लिए तो वो बन सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में काम नहीं कर सकता, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट दोस्तों ये कहता है जो चेयरमैन है और मेंबर है वो नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। मतलब जैसे कोई यूपीएससी का चेयरमैन है वो फिर से यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बन सकता। मान लीजिए ये ऐसे है, जैसे 54 में बना और 60 में उसके 6 साल हो गए, लेकिन जो लास्ट एज है वो 65 है, तो ये नहीं कि 5 साल के लिए फिर से चेयरमैन बन जाए, नहीं ऐसा नहीं होने का, एक बार बन गए तो बन गए, ठीक है, और ऐसी जो मेंबर हैं वो भी नहीं बन सकते। तो ये इनको एक पावर देती है ये सब चीज़ें, ये इनको इंडिपेंडेंस देती है जिससे ये जो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, सेंट्रल रिक्रूटिंग जो पोस्ट हैं दोस्तों, ये बहुत हाई ऑफिशियल पोस्ट हैं और ये ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट हैं जो देश को चलाती हैं। अगर इनमें ही ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो देश की जो डेमोक्रेसी है, हार्मनी है और जो करप्शन है वो बहुत हाई लेवल पे हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बातें कही गई हैं जिससे एक अच्छे से एक बेटर फ्यूचर फॉर इंडिया यूथ हो सके, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंक्शंस की, फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या कराती है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ए पॉइंट देखिए, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है किसके लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज। याद रखिएगा फिर से एक बार,
ऑल इंडिया सर्विसेज दोस्तों जो होती है उसमें तीन सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। याद रखिएगा फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल सर्विस जो ए ग्रेड की पोस्टेज होती हैं बी की, तो ये वो ही। और पब्लिक सर्विस ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज जैसे दिल्ली हो गया, तो इन सब के लिए यही एग्जाम कराती है। इफ स्टेट द इफ असिस्ट द स्टेट, इफ दो या दो से ज्यादा जो स्टेट हैं अगर इनसे रिक्वेस्ट करे ज्वाइंट रिक्रूटमेंट के लिए किसी भी स्पेशल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, तो उस पोस्ट के लिए ये एग्जाम करा सकती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि अगर कोई स्टेट दो या दो से ज्यादा स्टेट वो ये कहती हैं कि आप हमारा एक क्राइटेरिया तय करिए कि इस पोस्ट के लिए क्या स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये कर देता है, मतलब यूपीएससी इस पे काम कर देती है दोस्तों। और इसमें ये बात कह रखी है, थर्ड पॉइंट देखिए, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर और कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराइए या इसके लिए क्राइटेरिया तय करिए, फिर वो अप्रूव होगा किसके द्वारा, वो अप्रूव होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये उस पे काम कर देती है दोस्तों। डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट से थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होती है। ये कहता है कि इससे कंसल्ट किया जाता है पर्सनल मैनेजमेंट, याद रखिएगा बस ये एग्जाम कराती है यूपीएससी, बाकी इससे कंसल्टेशन होती है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या, कि ऑल द मैटर रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, की सिविल सर्विसेज का और सिविल पोस्टेज जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका रिक्रूटमेंट कैसे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर और वन पोस्ट टू अदर पोस्ट जब करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, तो उसके टाइम पर भी इनसे कंसल्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट, जो प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक सर्विस से अनदर सर्विस में, डेप्यूटेशन होता है, तो ये सब चीज़ें भी यूपीएससी से बातचीत और सलाह के द्वारा की जाती हैं। प्रमोशन याद रखिएगा, द कंसर्न डिपार्टमेंट मेक रिकमेंडेशन फॉर प्रमोशन एंड रिक्वेस्ट द यूपीएससी टू रेटिफाई देम। हाँ, तो यूपीएससी उसको रेटिफाई करती है, और ये सिर्फ कंसल्टेशन है, बाकी जो पर्सनल डीओपीटी है वो ही इस पे काम करता है दोस्तों। और जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं जैसे सेंश्योर, मतलब विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट को होल्ड कर लिया, प्रमोशन को होल्ड कर लिया, या फिर रिटायरमेंट कंपलसरी, रिमूवल फ्रॉम द सर्विसेज, डिसमिस फ्रॉम द सर्विसेज, किसी पर्सन को डिसमिस करना है, रिमूव करना है, तो यूपीएससी से कंसल्टेशन होती है उस टाइम पे, ठीक है। और अगर कोई क्लेम है लीगल एक्सपेंसेस का, अगर किसी के ऊपर जैसे लीगल प्रोसीडिंग चल रही है किसी भी आईएएस ऑफिसर पे या किसी भी अफसर पे जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा, तो उस टाइम पर भी जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो खर्च किए जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है, पेंशन का अवार्ड, एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ ए पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजरीज, अगर किसी पर्सन की, किसी इंसान की जॉब करते हुए दोस्तों इंजरीज हो जाती हैं, तो उसके पेंशन का और जो अमाउंट है उसके वर्क का वो दिलवाया जाता है इसके द्वारा। सेवेंथ पॉइंट दोस्तों ये कहता है, ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट भी कर सकती है फॉर 1 ईयर, एक्सीडिंग 1 ईयर ऑन रेगुलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर 1 साल से ज्यादा करेगी तो वो रेगुलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट में आ जाएगा दोस्तों। तो ये फंक्शंस होते हैं यूपीएससी के। एट्थ पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि मैटर रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एंड रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड एंड सिविल सर्वेंट, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उनका जो ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन है उसको भी ये बढ़ा सकती है दोस्तों। और इसमें एक आ रखा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फिर इस पर वर्डिक दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट अगर इन सब बातों को जो ऊपर लिखी गई हैं, जब आप रिमूव करें, डिसमिस करें, पेंशन घटानी बढ़ानी और जब इंजरीज हो जाए, अगर उस बात में कंसल्टेशन नहीं करती है यूपीएससी से, तो वो जो डिसीज़न है वो वैलिडेटेड नहीं होगा, और जो डिसीज़न होगा, जो उसकी एडवाइस होगी, वो एक डायरेक्टरी की तरह होगी, मैंडेटरी
नहीं होगी. तो द यूपीएससी डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट. मैंने बताया ना, सिर्फ ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, बाकी जो पोस्ट है, ट्रांसफर है, रिमूवल है, डिसमिस है, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है. लेकिन तब भी गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की बात है ये, कि गवर्नमेंट को उस पर फेयरली आर्बिट्रेट विदाउट आर्बिट्रेटनेस और मालाफाइडे की तरह काम करना चाहिए. कि मतलब आप अपने हिसाब से उसको ट्रांसफर ना करें जब आपका फायदा हो या नुकसान हो उस गवर्नमेंट का, तो उस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए. बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक फ्री मोड देना चाहिए जिससे वो डेवलपमेंट कर सके लास्ट तबके तक. एक्चुअली जो बात है, जो चीज़ें हैं, वो आखिरी तबके तक पहुंचनी चाहिए जिससे उसका भी डेवलपमेंट हो. ये नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर के अर्बन क्लास को ही वो चीज़ें मिले, रूरल क्लास तक भी वो चीज़ें जाए. जो एडिशनल फंक्शन है यूपीएससी के दोस्तों, वो इंक्रीज करे जा सकते हैं. फंक्शन कन्फर्ड ऑन यूपीएससी बाय द पार्लियामेंट. एडिशनल फंक्शन की जो पावर है, जो इंक्रीज करेगा, वो पार्लियामेंट करेगा. एक बिल पास होगा, फिर पास होगा, एक बिल आएगा, फिर वो पास होगा. तो ये सब क्राइटेरिया होता है पार्लियामेंट का. और जो पर्सनल सिस्टम है ऑफ एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूपीएससी. हाँ, जो पर्सनल सिस्टम है, इनका ज्यूरिडिक्शन है, इनकी जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, वो किसके अंदर में आएंगी? यूपीएससी के अंदर में आएंगी. एंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूपीएससी, जो भी इनका ज्यूरिडिक्शन है यूपीएससी का, कि कैसे रिक्रूटिंग होगी, कैसे चीज़ें बैठेंगी, किस इंसान को कहाँ पर उस टाइम लगाना है जब एग्ज़ाम हो, वो अगर एक्सटेंड करना है उस चीज़ को, उसको बढ़ाना है, तो वो किसके अंदर में आता है? पार्लियामेंट के. याद रखिएगा, इस जगह प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर में आता है. ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट फंक्शन की. जो यूपीएससी है अपनी, जो एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट के सामने पेश करती है. अब याद रखिएगा, प्रेसिडेंट आ गया है, एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने पेश करती है अपनी परफॉर्मेंस की. और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखते हैं. हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में. फिर उस कमीशन की जो एडवाइस है दोस्तों, अगर पार्लियामेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको बताना होता है कि आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट करी, क्या रीज़न है, क्या कारण है जो इनकी एडवाइस है उनको ना एक्सेप्ट करने का. तो और जो इनकी ऑल सच केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, जो नॉन एक्सेप्टेंस चीज़ें होती हैं, उसको अप्रूव्ड होना होता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट से. एक अपॉइंटमेंट कमेटी बैठती है, उससे अप्रूव्ड होना होता है. एक यूनियन मिनिस्टर या एक MLMP इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, इनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं. ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों लिमिटेशन की. जो यूपीएससी है दोस्तों, उसका जो फंक्शनल ज्यूरिडिक्शन है, ये कहाँ पर काम नहीं करता है भाई, इनके हाथ में नहीं है वो चीज़. जब आप रिजर्वेशन करते हैं किसी भी पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, आप किसी भी पोस्ट में कि कितने परसेंट किसका रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इनके हाथ में वो चीज़ नहीं है. ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और एडवाइस देती हैं डिसमिसल पे, प्रमोशन पे, ट्रांसफ़र पे, रिमूवल पे, बस. दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी क्लेम है शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का इन मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टू सर्विस एंड पोस्ट, इसके अंदर भी इनका कोई काम नहीं है. अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब किसी पोस्ट को लेकर क्लेम करता है, तो वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है, यूपीएससी का कोई रोल नहीं है. और जो ट्रिब्यूनल्स हैं और जो कमीशंस हैं, ग्रुप सी और डी के जो हाई डिप्लोमेट्स हैं, एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है, उनके जो अब चेयरमैन्स बैठते हैं, जो चेयरमैनशिप होती है, उसके सिलेक्शन में भी इसका कोई रोल नहीं है. वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं. जो टेम्प्ररी ऑफिसलेटिंग अपॉइंटमेंट है टू द पोस्ट इफ द पर्सन, हाँ, जैसे किसी पोस्ट पे किसी पर्सन को टेम्प्ररी अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस जगह भी इसका कोई रोल नहीं है. इट नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन अ ईयर. बस ये है कि वो जो पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है दोस्तों, वो एक साल से ज़्यादा का ना हो. द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विस एंड मैटर फ्रॉम द परव्यू ऑफ द यूपीएससी. प्रेसिडेंट ने सारी चीज़ें यूपीएससी के निगरानी से बाहर रख रखी हैं. और जो ऑल इंडिया सर्विस है दोस्तों, और जो सेंट्रल सर्विस हैं, उनके लिए जो रेगुलेशंस हैं और उनके लिए जो कंडीशंस हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रेसिडेंट कंफर्मेशन करते हैं. प्रेसिडेंट एक्चुअली जो वर्क करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं दोस्तों. ठीक है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं. और जब ये रूल्स, रेगुलेशन, ज्यूरिडिक्शंस स्पेसिफाई करते हैं प्रेसिडेंट, तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि यूपीएससी से कंसल्ट किया जाए. लेकिन जो रूल्स, रेगुलेशन जो प्रेसिडेंट ने बनाए हैं, वो पार्लियामेंट में
14 दिन पहले पेश होने चाहिए और पार्लियामेंट उसे अमेंड भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। मतलब आप मान सकते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है इस जगह पे, ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है। ये लिमिटेशंस हैं कि रिजर्वेशन में उनका कोई काम नहीं है और अपॉइंटमेंट में उनका कोई काम नहीं है, बस उनका एग्जाम कराना काम है। रोल क्या है दोस्तों, ये एक वॉच डॉग है मेरिट सिस्टम का। अब आप सोचिए जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ग्राउंड की डेमोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेट संभाले हुए हैं कि भाई जो पॉलिसीज चलती हैं गवर्नमेंट्स की, आपका जो कमी पेंशन्स आती है, जो रूलर्स के लिए पॉलिसी चलती हैं, सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और आपकी स्वस्थ भारत की जो योजना बनाई है गवर्नमेंट ने, तो इन सब योजनाओं पे जो काम करती है वो ब्यूरोक्रेसी करती है, देखती है कि भाई ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, गरीबों के लिए बनाई गई है, बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई है, तो कोई बड़ा आदमी जिसको वो सक्षम है वो काम करने के लिए, वो चीज़ खरीदने के लिए, उसको तो नहीं मिल रही है। मतलब उन इंसान को वो चीज़ें मिल रही हैं जिनकी नीड है ना, तो वो काम कौन करती है, ब्यूरोक्रेसी करती है। तो ब्यूरोक्रेसी को एक वॉच डॉग की तरह काम करा जाएगा। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का वॉच डॉग है मेरिट लिस्ट का, मतलब मेरिट लिस्ट जब निकलती है तो उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, अच्छे से काम हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम हो, तो एक वॉच डॉग की तरह काम करती है यूपीएससी। और ये रिक्रूट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए ग्रुप बी, और जो एडवाइस करती है गवर्नमेंट व्हेन कंसल्टेड ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर में। और जो क्लासिफिकेशन है, सर्विस कितनी होगी, पेंशन कितनी होगी, कैडर क्या होगा, ट्रेनिंग क्या होगी, ये सब इसके हाथ में नहीं है। यहाँ पर देखिए, इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस पे, सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो मैटर होता है वो हैंडल करती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन। ठीक है, ये सिर्फ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, वाइल द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इज अ सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, कि आपकी कितनी पेंशन होगी, आपका कैडर क्या होगा, ये सब काम उसका है। ठीक है दोस्तों, दूसरा रोल क्या है इसका, जो रोल है लिमिटेड नहीं है। ये रिकमेंड करती है, एडवाइस देती है रिमूवल, डिसमिसल पे और पेंशंस पे, मतलब बातचीत होती है सरकार की इसके द्वारा कि कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि कैसे बच्चे, किस क्वालिटी के बच्चे ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। तो ये सब बातें गवर्नमेंट इनसे करती है कि कैसे हमें एडवाइस, लेकिन ये जो एडवाइस होती है ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होती है, मैंडेटरी नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इनकी कुछ कुछ रिकमेंडेशन को अपने हद तक, जो गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक होती है, उसको माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब रोल क्या हुआ दोस्तों, एक CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो करप्शन देखता है आपके ब्यूरोक्रेट्स पे कि करप्शन नहीं है, ये सब, ये CVC का काम होता है दोस्तों। ठीक है, ये 1964 में बनाया गया था, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था। आप इन वर्ड से वंचित होंगे कि आप इन वर्ड्स से सॉरी आप इन वर्ड्स से मैं मानता हूं कि आप इन वर्ड्स को जानते होंगे कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, और आपकी स्टैचुरी बॉडीज क्या होती हैं। अगर आप इन वर्ड से अच्छे से जानते नहीं हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं इन सब वर्ड्स पे भी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था, इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था कि हाँ ठीक है बना दीजिए, जैसे हमारा नीति आयोग है। ठीक है, लेकिन 2003 में दोस्तों इसको एक स्टैचुरी स्टेटस दे दिया था। अब ये भी करप्शन के चार्जेस देखता है ब्यूरोक्रेट्स पे, और यूपीएससी भी देखती है कि भाई मतलब एडवाइस ली जाती है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जो दो बॉडीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो बढ़ता चला गया एडवाइस का। सीवीसी भी एडवाइस देती थी अपनी, यूपीएससी भी एडवाइस देती थी, लेकिन क्या हुआ, तो एडवाइस किस दोनों दो मतलब दो लोगों की एक एडवाइस तो हो नहीं सकती, सबकी अलग अलग एडवाइस है, सबकी अलग अलग सोच है उस इंसान के लिए, उस करप्शन चार्जेस के लिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों यूपीएससी को एक एज मिल जाता था, यूपीएससी को एक पावर थी, क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये तो बहुत लंबे समय तक एग्जीक्यूटिव ही रही 1964 से लेकर 2003 तक, और 2003 में इसको स्टैचुरी बनाया। स्टैचुरी मतलब होता है दोस्तों कानून के द्वारा, कि एक्ट पास होगा,
लॉ के द्वारा लाया गया, तो एक यूपीएससी को ज्यादा फायदा मिलता था दोस्तों। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में यूपीएससी कवर कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर शायद इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है लक्ष्मीकांत में, तो हम वो कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, आर्टिकल याद करिएगा, पार्ट याद करिएगा, पावर, फंक्शंस, क्वालिफिकेशंस और रिमूवल कौन करता है, और इनकी जो सर्विसेज हैं उसको चेंज कौन करता है, पार्लियामेंट, मतलब उसकी जो कंडीशन है, ज्यूरिडिक्शन बढ़ा कौन सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।